हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉयल एनफील्ड स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 500 के फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत ही एडवांस फीचर्स कंपनी ने इसमें डाले हुए रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा BS4 मॉडल की कोई भी बाइक्स हैं जो नई किसी भी कंपनी ने लॉन्च करके रखी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि जब हम उसको ऑन करते हैं गाड़ी को, तो रात के टाइम पे अगर हमने बाइक को न्यूट्रल करना है, तो दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी की जो हेडलाइट है वो ऑन नहीं रहती। कंपनी ने सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम तो सबसे पहले ये कर रखा है कि जब भी हम चाबी को ऑन करते हैं तो आगे से गाड़ी की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। देखिए, ये सबसे अच्छा फीचर जो है कंपनी ने इस बार इसमें डाल रखा है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, कंपनी की रॉयल इनफील्ड कंपनी की बाइक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी तक चल रहा था वो ये था कि फ्यूल जो है, फ्यूल का कोई भी मीटर जो था बाइक में नहीं दे रखा था। इस बार कंपनी ने ये फ्यूल का मीटर भी इसमें दे रखा है। हमें इसमें पता चल जाता है कि कब इसमें रिज़र्व डालना है, कब जो भी है, इसमें सारी डिटेल हमें पता चल जाती है ऑयल के रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट होने के बाद अब इस तरफ रही इसकी ये लाइट्स वगैरह का, ये पासिंग पुसिंग, ये चोक है इसकी, चोक वगैरह, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं इसका सबसे अच्छा फीचर जो आपको बताऊंगा कि कंपनी ने जो है एक्सीडेंटल चांसेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो इसमें फ़ीचर डाल रखा है वो ये है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाइस, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। सबसे अच्छा फीचर जो कंपनी ने डाला हुआ है वो ये है कि कभी कभी हम ऐसे होता है बाइक स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है वो साइड स्टैंड लगा रहता है और हम बाइक स्टार्ट करके चल पड़ते हैं। रास्ते में कभी हम टर्न वगैरह लेते हैं तो स्टैंड जो है वो नीचे सड़क के साथ लग जाता है। तो कंपनी ने इसमें जो सेंसर डाला हुआ है इस स्टैंड के साथ, जैसे ही अगर ये सेंसर, अगर ये स्टैंड जो है वो नीचे की तरफ होगा तो ये बाइक जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए बाइक बंद हो चुकी है। ये इस सेंसर का कमाल है। एक सेंसर तो कंपनी ने इधर लगा रखा है इस स्टैंड के साथ, अगर हम कभी भी स्टैंड लगा के बाइक को चलाएंगे तो बाइक नहीं चलेगी, गियर डालते ही बाइक बंद हो जाएगी। ये सबसे अच्छा फीचर जो कि कंपनी ने इसमें डाला हुआ है। और एक सेंसर और है इस तरफ, इस तरफ एक और सेंसर है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि कंपनी ने लगा रखा है शायद एयर फिल्टरिंग के लिए, जो कि इधर लगा है। ये देखिए साइलेंसर में, ये इधर जैसे लगा है, ये है, ये जो है ये एक सेंसर टाइप का, ये जो फिल्टर टाइप में, ये इधर से एयर फिल्टर करके जो है वो अंदर जाती है। तो काफ़ी अच्छी जो है मॉडिफिकेशन जो है वो कंपनी ने इस बाइक में लाई है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे फीचर्स के बारे में, जो मैं इसमें जानकारी होगी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा। फ़िलहाल मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।